हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेज एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एम सी क्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल सिस्टम दैट इज़ सी एफ एस तो यहाँ पर हर एक यूनिट के वाइज हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और उसके आंसर्स भी बताएंगे यहाँ पर टोटल है पाँच यूनिट्स ये बी कॉम के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं ये क्वेश्चन कई जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं कई जगह पर आ सकते हैं बी बी के लिए बी कॉम के लिए और जहाँ जहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल सिस्टम आपका सब्जेक्ट है उनके लिए भी यूजफुल क्वेश्चन हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पाँच यूनिट्स में हर एक यूनिट में फिफ्टीन क्वेश्चन कवर किए जाएंगे चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉस सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था वो कौन सा था ट्रांजिस्टर आईसी वैक्यूम ट्यूब वी एल एस आई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमें जैसे कि पता है एटीन थाउजेंड्स वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इनमें से सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा था लैपटॉप नोटबुक मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबिच नाइपर डैनिस रिची बैल्स बै बैलिस पार्सल पासकल तो यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबिच को कहा जाता है द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टर्न डाटा इंटू मेन जो काम है मेन जो कंप्यूटर सिस्टम का काम है वो यही होता है कि जो डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का जो है वो परम पी ए आर ए एम है वॉट वॉज द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि मेन डिसएडवांटेजेस वैक्यूम ट्यूब का क्या था वैक्यूम ट्यूब लार्ज साइज में था ये डिसएडवाटेजेस हैं लेकिन हमारे लिए मेन जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे एक वर्ड दिया गया है मेन डिसएडवांटेजेस जो कि सबसे मेन डिसएडवांटेज ये था कि वैक्यूम ट्यूब में जो हीट प्रोड्यूस होती थी वो बहुत ज़्यादा थी इवन वो कई बार ज़्यादा हीट होने की वजह से वो बस्ट आउट भी हो जाता था इसलिए बी पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे दे प्रोड्यूस हीट एंड ऑफन बर्न आउट द कंप्यूटर साइज वॉज जनरेशन इन कंप्यूटर साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ी कंप्यूटर की साइज़ कौन सी जनरेशन में थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ तो सबसे बड़ी साइज़ जो वैक्यूम ट्यूब के कारण थी वो थी फर्स्ट जनरेशन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन मेनली सेकेंड कंप्यूटर जनरेशन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो था वो ट्रांजिस्टर आया था वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट से रिलेटेड है और ट्रांजिस्टर जो है वो सेकेंड जनरेशन से रिलेटेड है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन अगेंस्ट चार्ल्स पेबिच जो कि हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर भी हैं और इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन भी डिस्कवर किया विच लैंग्वेज इज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी डैश वॉज़ यूज इन फर्स्ट जनरेशन कम्प्यूटर फर्स्ट जनरेशन कम्प्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आपके सामने आया है वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था अ कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रनस ऑन कंप्यूटर में बहुत जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो किस पे रन की जाती थी तो सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्ट है उस पे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन है ये कंप्यूटर इज़ एन डैश डिवाइस कौन सा डिवाइस तो कई सिमिलर आपको ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैश वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी भी कहते हैं वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन से था ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन से और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है डैश वॉज़ यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर अब हमारे लिए कौन से ऐसे ऑप्शन है अगेन ये ऑप्शन रिपीट होकर आया है ट्रांजिस्टर इज़ यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर तो ये थे फिफ्टीन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट वन से रिलेटेड है आगे के यूनिट जानने के लिए आप हमारा वीडियो ज़रूर देखते रहे